काफ़ी मेरे को भी मतलब फैमिली के हालात ऐसे थे एक टाइम पे कि 10वीं करके मेरे को काम पे लगना पड़ गया था। अच्छा, जी 10वीं के बाद ही? हाँ, यहाँ तिलक नगर जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, यहाँ से 10वीं की थी मैंने 95 में, तो फिर मेरे को काम पे लगना पड़ गया था। क्या काम कर रहे थे? तब तो क्या मिल रहा था, लोग कहते थे उस टाइम पे, जी कोई हाथ का हुनर सीख लो, ज़िंदगी में काम आएगा, कभी काम ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मेरे को AC रिपेयर वाली एक शॉप पे काम मिल गया था। अच्छा, तब 300 रुपये महीना तनख्वाह होती थी 95 में। 95 में 10वीं पास करके, तो 3 साल मैंने लगभग वो काम किया। 15 से 18 साल की मेरी एज हो गई और 300 से लेकर 800 मेरी तनख्वाह हो गई। अच्छा, 3 साल में। और पर ये मेरे को एक एडवांटेज हो गया कि 18 साल की उम्र में मैं एक एयर कंडीशन खुद इंस्टॉल कर लेता था, मतलब जो एक इंजीनियर काम करता है। सिर्फ इंस्टॉल या रिपेयर वगैरह भी? रिपेयर तो मतलब छोटी चीज़ हो गई, सर्विस पे जाते ही थे, घर का असेंबल कर लेते थे, असेंबल भी कर लेता था। अच्छा। और 18 साल की उम्र में मैं देखता था हमारे पास वो ITI से इंटर्नशिप करने आते थे, उनको खाली वो किताब का और थोड़ा बहुत मालूम होता था, पर मैं 18 साल की उम्र में पूरा एक मतलब ट्रेंड एयर कंडीशन का इंजीनियर बन चुका था। बहुत सारे ऐसे घर, बहुत सारे ऐसे मेरे जानकार जिनके पास, जो मेरे को जानते थे भाई, पहले ये हमारे पास वैक्यूम क्लीनर बेचने भी आया, हमारा कभी AC सर्विस करने भी आया, फिर हमने देखा धीरे धीरे ये ग्रो किया, इसने अपना बिजनेस सेट किया। और जब उनके घर में वोट मांगने गया, पार्टी के बारे में बताने गया, तो बड़ा सरप्राइजिंग सा कईयों का रिएक्शन था, भाजी मतलब वह कहे काम च पै गए हो, मतलब पॉलिटिकल काम या पॉलिटिकल कोई कैंडिडेट आप मान लो, मतलब ऐसे था जैसे कोई मतलब मैं गलत काम में पड़ गया हूँ कि मतलब ये किन कामों केड़े कम च पै गए हो भाजी, चंगा भला काम करते सी, तो उनको लग रहा था शायद मैं किसी गलत डायरेक्शन में चला गया हूँ। पर मैं शुक्रगुजार हूँ बाकी सब लोगों ने उन चीज़ों को समझा, कई लोगों ने मजाक भी उड़ाई, पर धीरे धीरे समय ने उन सब चीज़ों का मेरे को लगता है मुंह बंद कर दिया, उन सब लोगों का मुंह बंद कर दिया। आज वही लोग आते हैं, काम बताते हैं, काम करवाते हैं, तो समय से बड़ा कुछ नहीं होता, और आप अगर सच्ची नीयत लेके कुछ करो तो कुदरत भी आपके साथ होती है।